नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में खास करके बात उन साथियों के लिए होगी जो संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और अन्य प्रांतों में कहीं फंस गए हैं। वो कैसे ई पास बनवा करके अपने घर वापस आए, ऑनलाइन आवेदन ई पास के लिए कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल जय भीम यूपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। वहाँ टाइप करेंगे गूगल में yskenagar.nic.in, yskenagar.nic.in, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। हम करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद ए पेज NIC की साइट पर जाकर के सीधे ओपन होगा। जैसा कि यहाँ ओपन हो गया, देख पा रहे होंगे कि यहाँ विलेज 1727 नौ ब्लॉक 3 तहसील दिखा रहा है। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। इसमें एक चीज़ और देख पा रहे होंगे आप, COVID-19 हेल्प डेस्क और उसके नीचे हेल्पलाइन। तो हमको 19 हेल्प डेस्क, आप इस पर जा करके सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, कोविड यहाँ पर कर दिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। उसके बाद उसमें आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देगा। आइए देखते हैं। तो हम वहाँ क्लिक किए COVID-19 पर, हेल्प डेस्क पर, तो इस तरह का एक पेज खुल करके आपके सामने आ गया होगा। आप भी देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है मेनू टैग, यहाँ देख पा रहे होंगे, और यहाँ नीचे दे रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप, लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ये यहाँ पर इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लें। लिखा ऑनलाइन फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट रिटर्निंग ऑफ द सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर फ्रॉम अनदर स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और इसके नीचे फ्रॉम फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉकडाउन ऑफ COVID-19 इन अदर स्टेट वेयर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड क्लिक हेयर टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए अब देखिए, अप्लाई ऑनलाइन ई पास फॉर इमरजेंसी सर्विस एंड मूवमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन क्लिक हेयर टू अप्लाई। फिर लिखा लिस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर्स डिलीवरी ऑफ ड्यूरिंग, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो हमको अप्लाई करना है। एक मिनट देख लें, मेनू टैग पर जा करके, मेनू टैग पर क्या है, तो हम यहाँ जो क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा है ये पहला वाला, इस पर हम कर देंगे क्लिक। आइए क्लिक करते हैं। मैं कर लिया क्लिक। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने खुल के आ गया। लिखा है सबसे ऊपर लिखा है जिला संत कबीर नगर, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर, जिले के बारे में विभाग ई पास हेतु आवेदन निर्देशिका, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसमें। ई पास हेतु आवेदन भी लिखा हुआ है और यहाँ भी ये खुल के आ गया आपका। लिखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिखा है COVID-19 हेल्प डेस्क डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। अन्य प्रांतों में COVID-19 के लॉकडाउन में जो गृह जनपद आने के इच्छुक हैं के संबंध में सामान्य सूचना हेतु प्रपत्र। जनपद संत कबीर नगर के वे मूल निवासी जो अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन की वजह से रह रहे हैं के द्वारा ही मात्र आवेदन, जो दूसरे स्पष्ट लिखा अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं उनके लिए है। ये फोन नंबर यहाँ का है। आवेदक का विवरण, जो लॉकडाउन में अन्य प्रदेश में रह रहे हैं, सबसे पहले आवेदक का नाम रहेगा, फिर उसके पिता का नाम, उम्र रहेगा, मोबाइल नंबर वो लिखेगा, अपना लिंग लिखेगा, जो भी लिंग होगा उसका। इतना लिखने के बाद वो नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। अब इसके आगे मैं भर नहीं सकता क्योंकि मुझको भरना नहीं है किसी का। इसके आगे वो अपना भरेगा जहाँ का रहने वाला है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, इस तरह से आगे भी ओपन होगा और आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी दे रहा है ई पास हेतु आवेदन। यहाँ जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर लिखा है ई पास हेतु आवेदन पर भी क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन खुल नहीं रहा इसमें। बहरहाल आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके अन्य साथी भी इसकी जानकारी ले पाएँ और वो आवेदन सही तरीके से कर पाएँ। और अगर आपको पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ी से ताज़ी जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं इससे भी बढ़िया और आपके हितकारी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।